अंडर परफॉर्मेंस और उस पर दोनों तरह के व्यूज आ रहे हैं। इस बार हमने देखा कि आईटी में फंड मैनेजर ज़्यादा बुलिश हो गए, प्रमोटर खुद बुलिश नहीं है अपनी कंपनी में, कॉशियस थे वो। उसके बाद अंडरओन से थोड़ा सा रिवर्सल आया। आपको लगता है टाइम आ चुका है आईटी का या अभी अर्ली होगा? नहीं, मुझे लगता है कि आईटी में भी जो है ना कि हमें लार्ज कैप और मिड कैप में सेग्रेगेट करना पड़ेगा। बिकॉज क्या है कि हम देखिए इसको एक और स्टेप लेता हूँ। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि इंडिया में जो सेक्टर इंडाइसिस क्रिएट किए हैं ना, ये बहुत लंपी होते हैं। ठीक है, आपने ये कैप्चर नहीं कर रहे, तो हमने क्या है, हमारे खुद थीमेटिक अबाउट 40 इंडेक्सेस बनाए हैं। अच्छा, वो हमारे बीस्पोक इंडेक्सेस हैं। हमने सब स्टॉक्स को एक्चुअली धंधे के बेसिस पे बाइफरकेट करके हमारे प्रोप्राइटरी जो है इंडेक्सेस हैं। जैसे आप देखें पेंट्स, टायर्स, शुगर, सही है, तो ये क्या ये है ही नहीं। NBFC अलग, प्राइवेट बैंक अलग, पब्लिक बैंक अलग, लार्ज कैप IT अलग, स्मॉल कैप मिड कैप IT अलग। तो अब लार्ज कैप आप देखेंगे तो मिड कैप की स्टोरी अलग है, मिड कैप की स्टोरी अलग है और लार्ज कैप। अच्छा, हमने इस बार देखा इस क्वार्टर गॉन बाय में कि TCS, इंफोसिस और HCL Tech, Tech Mahindra कॉशियस गाइडेंस दे रहे हैं, यहीं एम्फोसिस और कुछ और KPIT बुलिश गाइडेंस दे रहे हैं। तो एक ही सेक्टर में डाइवर्जेंट ट्रेंड्स, तो आप मिड कैप IT बुलिश हैं बिल्कुल। बिकॉज और दूसरा, जैसे ये इंडेक्सेस क्रिएट किए हैं, मार्केट कैप लिंक्ड होते हैं, तो इनमें जो बड़ी 3-4 कंपनीज हमने बताई वो ही इंडेक्स को मूव करते हैं, छोटों का कोई वैल्यूएशन। आप बैंकिंग में भी देख लीजिए, अगर आप PSU बैंक का वेटेज देखें तो कुछ नहीं है, एक SBI छोड़ के किसी का वेटेज नहीं है, बट यहाँ पे इतनी तेजी है आप उसको बैंक निफ्टी में नहीं कैप्चर कर सकते जब तक आप मार्केट को सेग्रीगेट नहीं करेंगे। जैसे हमने किया, हमारे ऑलमोस्ट 42 प्रोप्राइटरी इंडेक्सेस हैं, तो उसमें क्या है, हमको हम उसको थीमेटिक बताते हैं और घूम फिर के हम उस थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा,